नमस्कार दर्शकों, मेरे दर्शकों एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। दर्शकों, पंचायतों को हक दिलाने के लिए, पंचायतों को सशक्त करने के लिए, पंचायतों को अपने अधिकारों के साथ साथ बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर आज फिर से जो है धरना प्रदर्शन में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये प्रोटेस्ट एक रैली का रूप लेने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये रैली जो है कामयाब नहीं हो पाई। प्रोटेस्ट जो है वो फिर भी जारी है। आइए जाने का प्रयास करते हैं कि उनके मुख्य कारण क्या और क्या मुख्य मांगे हैं। सर, ये बताइए क्या क्या मुख्य मांगे आपकी? देखिए, आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के इस वक्त जो है दो जो है प्रोटेस्ट श्रीनगर लाल चौक के अंदर और इस वक्त जम्मू में डोगरा चौक में चल रहे हैं। प्रोटेस्ट करने का मेन मौका और मकसद ये है कि 73 अमेंडमेंट जो है वो जहां पे लागू की जाए, जो कि पहले बहानेबाजी की जाती थी कि 370 की वजह से लागू नहीं हो सकती, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, लेकिन आज 370 हट चुका है। आज जहां पे जो है लागू होनी चाहिए पंचों सरपंचों की ऑनरेरियम जो है 10,000 रुपया सरपंच का, 5,000 रुपया पंच का किया जाए। बैक टू विलेज के लिए 25 लाख रुपया एक बैक टू विलेज के लिए हर एक पंचायत को दिया जाए। हमारा CDF जो है सरपंचों को, पंचों को जो है पंचायतों को दिया जाए। कम से कम 20 से 25 लाख रुपया CDF जो है हमारे लोगों के लिए होना चाहिए। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो क्या बैक टू विलेज प्रोग्राम में आप लोग करेंगे या बायकॉट करेंगे, क्या कदम रहेगा आपका? देखिए, बैक टू विलेज प्रोग्राम जो थर्ड है वो हम लोग करेंगे, उसका बायकॉट नहीं करेंगे। ये सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग फैसले की कदर करते हैं। ये होम मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब का फैसला है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अच्छी से अच्छी डेवलपमेंट जो है वो लोगों को दी जाए, उसका हम वेलकम करेंगे। लेकिन एक बार फिर हम दोहराते हैं कि अगर ये हमारी मांगे नहीं पूरी की जाए तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोटेस्ट जो है 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर। मेमोरेंडम की बात करते हैं, मेमोरेंडम जो आपकी डिमांड्स का है, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचा, किसी उच्च अधिकारी तक पहुंचा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब से हम लोगों ने 2 बार मुलाकात की, होम मिनिस्टर साहब से हम लोगों ने 3 मरतबा मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर साहब और होम मिनिस्टर साहब बिल्कुल पॉजिटिव हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों को एम्पावर करना चाहते हैं। लेकिन जहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ के जो पॉलिटिशियन है, वो जहाँ पे 73 अमेंडमेंट जो है वो लागू नहीं करवाने देते, क्योंकि उनसे उनका इंस्टीट्यूशन जो है वो जो है ब्यूरोक्रेसी में कुछ ताकतें जो है वो कम हो जाती हैं, ये वजह है। दर्शकों, आपने देखा कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम जो है वो करेंगे, उसको बायकॉट नहीं किया जाएगा, लेकिन इनकी मांगे जो है वो जेन्युइन है और प्रयास किया जाएगा कि अपनी मांगे जो है ये प्रशासन के थ्रू मनवाएं और अपनी मांगे जो है प्रशासन के आगे रखें। अनिल शर्मा जी, आगे बढ़ो।